पीटीआई को जलसे का दिया गया वक्त खत्म हो चुका है। चुंगी नंबर 26 पर कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने कारकुनान को मुंतशर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। इसी पर बात करते हैं, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल, सबसे पहले ये बताइएगा कि बताया गया यहाँ पर शेलिंग की जा रही है, पहले शेलिंग हुई या पथराव पहले हुआ, मामला क्या है? हाँ जी, देखें यहाँ पर दिन भर से इस्लामाबाद निजामिया इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे 26 नंबर चुंगी पर मौजूद रही है, और जितने भी पीटीआई के कारकुनान आते रहे जिन में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन तमाम कारकुनान जो है मोटरवे के जरिए जो है जलसा गाह पहुंच रहे। लेकिन अब चूंकि 7 बजे का वक्त खत्म हो चुका है, कारकुनान जो है उनकी जानिब से पहले पथराव यहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, कंटेनर के दूसरे साइड पर वहाँ पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है ताकि कारकुनान को मुंतशिर किया जा सके। अब से कुछ समय कबल जो है इस्लामाबाद पुलिस के हुक्काम की जानिब से लाउड स्पीकर से बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जितने भी कारकुनान हैं वो पीछे हट जाएं, यहाँ से चले जाएं, वरना उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद उसके साथ साथ एफसी के जवान मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं कि अगर ये कारकुनान की जानिब से दोबारा पथराव किया जाता है तो इस्लामाबाद पुलिस जो है दोबारा शेलिंग करेगी, और जो कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हैं वो भी अमल में लाई जा सकती हैं। इस वक्त कारकुनान वापस पीछे की तरफ तो हट चुके हैं, लेकिन देखना ही होगा कि कारकुनान यहाँ से मुंतशिर होते हैं कि दोबारा इस्लामाबाद पुलिस की तरफ जो है पथराव करते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर जो अफराद हैं उन्हें वापस जाने का कहा जा रहा है, किस तरह का ये आमना सामना है? हाँ जी, देखें बार बार इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम, इस्लामाबाद इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर के जरिए कहा जा रहा है कि तमाम इलाका खाली कर दिया जाए, वापस चले जाएं, यहाँ से दूसरी तरफ जाएं। गाड़ियों पर भी लोग यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बार बार इन गाड़ियों की तरफ भी इशारा करके कहा जाता था कि तमाम लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाल लें और वापस अपने दूसरी मंजिल की तरफ चले जाएं। लेकिन यहाँ पर कारकुनान जो है कुछ लम्हे के लिए मुंतशिर होते हैं, पीछे चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अलर्ट है ताकि हुकूमती रेड को यहाँ पर बरकरार रखा जाए। सही है, ये बताइएगा कि शेलिंग की जा रही है, कितनी बड़ी तादाद है यहाँ कारकुनान की, क्योंकि एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि रैली की सूरत में आने वाले कारकुनान होंगे तो उनकी तादाद भी ज्यादा होगी। हाँ जी, देखेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद का जो संगम है मोटरवे और सिटी रोड को ये जोड़ता है, 26 नंबर चुंगी है, तो ये बिल्कुल मोटरवे के ऊपर जो इंटरचेंज है वहाँ पर दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है इस इंटरचेंज को, और एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की बड़ी तादाद मौजूद, दूसरी तरफ मोटरवे जो लाहौर, पिशावर और दीगर शहरों की तरफ जाने वाला जो मेन M1 है वो रूट है, तो वहाँ पर ना सिर्फ मुसाफिर जाते हैं बल्कि कारकुनान की तादाद भी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर मुसाफिरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और कारकुनान की जानिब से जो टोलियों की शक्ल में आते हैं और थोड़ी सी पथराव करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं, तो इस वक्त जो है आंख मचोली का खेल तो चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बार बार जो डेडलाइन दी जा रही है, बार बार जो अनाउंसमेंट की जा रही है कि तमाम के तमाम कारकुनान जो है यहाँ से वापस चले जाएं, पीछे हट जाएं, तो देखना ये होगा कि अगर कानून ठीक। अफजल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, एक्सपेक्टेशंस शायद कहीं ना कहीं यही थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त 7 के करीब आता जा रहा था लग नहीं रहा था कि जलसे का आगाज होगा, और फिर वही आपस में गुत्थम गुत्था होने वाली सिचुएशन पैदा हो सकती थी पुलिस और यहाँ पर पार्टी कारकुनों की। देखिए, जलसा तो शुरू हुआ था और पार्टी की मरकजी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा से मरकजी जलसा जो जुलूस आना था वो अभी तक जहाँ जब हम बात करें तो वो जलसा गाह में नहीं पहुँच सका। बाकी जो सारे नुमाया कौमी असम्बली के अरकान है और उनके अतहादी हैं जिसमें अलामा राजा नासिर बाद साहब शामिल हैं, इसके अलावा जो फैसलाबाद से राजा आमिर साहब हैं, वो सब लोग मौजूद थे। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि 7 बजते ही जो DC इस्लामाबाद हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें मुखातब किया गया है इस्लामाबाद के सदर को, अहमद मुगल साहब हैं, और उससे कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से फौरी तौर पर ये जलसा का खाली की जाए, साथ साथ पुलिस इंतजामिया को और डिस्ट्रिक्ट जो सिविल इंतजामिया है उसको भी कह दिया गया है कि जलसा का खाली कराने के इकदाम किए जाएँ। साथ साथ ये भी इतला आ रही है कि बाज़ जगहों पर जब कारकुनों को रूट से हटकर सफर करते हुए रोका गया तो उन्होंने न सिर्फ पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर पथराव किया, बल्कि जो रास्ते में कंटेनर से उनको गिराने की कोशिश की, इसके नतीजे में पुलिस ने उनको मुंशिर करने के लिए बाज़ जगहों पर टीयर गैस भी छोड़ी है। अभी अगले चंद मिनटों में, आधे पौने घंटे में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या जलसा का पुरम तरीके से SOPs के मुताबिक खाली होगी या फिर जिली इंतजामिया को जो पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेफिनेटली पावर का इस्तेमाल करने में बहुत से खतरात भी होते हैं और सूरत हाल एस्केलेट होने का खदशा भी होता है, तहम अभी तक इंतजामिया की कोशिश यही है कि एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराया जाए और नोटिफिकेशन करके पुलिस और इंतजामिया जो है उसको कहा जा रहा है कि जो पार्टी के रहनुमा हैं, पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं,
उनको इस बात में कायल किया जाए कि वो फौरी तौर पर जलसा का खाली करें और वकेट करें ताकि जो नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ है मुख्तलिफ सड़कों की उसको बहाल किया जाए। अभी तक इस हवाले से जो है मुख्तलिफ इकदामात जो है वो सामने आ रहे हैं। जी तारिक चौधरी, बज़ाहिर इतना आसान लगता नहीं है क्योंकि एक मजमा है और इतनी बड़ी तादाद को वापस जाने में वक्त भी लगेगा, इस जगह को खाली करने में भी वक्त लगेगा और फिर चूंकि रूट्स बंद भी हैं, ऐसे में जो आम मुसाफिर हैं वो भी सड़कों पर फंसे हुए हैं, जो पीछे से आने वाला ट्रैफिक है वो भी बरकरार है, तो फिर क्या इनको राहदारियाँ दी जाएंगी, कॉरिडोर्स होंगे इनके पास अवेलेबल कि जहाँ से वो ये जाए वापस रवाना हो? देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता और प्रैक्टिकल बात नहीं होगी कि फौरी तौर पर जो है वो सारा कुछ खाली हो जाए, लेकिन अगर इस्लामाबाद के इंतजाम में कोई नजर आए कि जो है वो इंतजामिया जो ऑर्गेनाइजर हैं जलसे के उन्होंने ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर जलसा खत्म करने का और कारकुनों की वापसी का प्रोसेस शुरू हो गया तो बिल्कुल यकीनी तौर पर सूरतल खराब नहीं होगी, लेकिन अगर कारकुन बजिद हुए और पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर हैं लीडरशिप है वह बजिद हुए और उन्होंने अपना रवैया जो है जारी रखा तो फिर यकीनी तौर पर सूरतल खराब होगी। ऐसे मौकों पर हमेशा सबसे जो बड़ा खड़ा इम्तहान होता है वो पार्टी लीडरशिप का होता है कि किस तरह से वो अमल दरामद करते हैं, किस तरह से अपने कारकुनों को बचाते हैं, किस तरह से एस्केलेशन से बचते हैं और किस तरह से पेचीदा सूरतेहाल को कंट्रोल करते हैं। मैं समझता हूँ जो अच्छे सियासतदान होते हैं, अच्छी लीडरशिप होती है, वो अपने कारकुनों को मुश्किल में नहीं डालती और उनको कोशिश करती है कि उनको समझा बुझा कर जो कोई अमन अमान की सूरतेहाल से को खराब करने से गुरेज किया जाए। तो ये बात आपकी ठीक है कि ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन अगर वापस जाने का प्रोसेस शुरू हो जाए, लोग गाड़ियों में बैठना शुरू हो जाएं, गाड़ियां स्टार्ट हो जाएं और अपने अपने रूट्स पे अपने अपने शहरों को वापसी शुरू हो जाए तो यकीन तौर पर सूरत हाल खराब हो जाएगी। जहां तक आपका सवाल था कि क्या राहदारी दी जाएगी, तो मैंने पहले ही दर्ज किया था कि जो रूट अलाउ किए गए थे, मुतय्यन किए गए थे कि इन सड़कों पर पिंडी से या मरी से या आजाद कश्मीर से या खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन और उनके जलसे उनके जथे या उनकी ट्रैफिक उनकी गाड़ियां आ सकती हैं तो उन्हीं रूट्स पर उनको वापसी की इजाजत भी दी जाएगी। डेफिनेटली रास्ता खुला छोड़ा जाएगा, अगर रास्ता खुला ना छोड़ा जाएगा फिर तो स्टैंड ऑफ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंतजामिया इतनी समझदार जरूर होती है, बड़े समझदार लोग होते हैं जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर होते हैं पुलिस की इंतजामिया, वो नहीं चाहेंगे कि जो बहुत बड़ा वाकया पेश आए जिससे कल को उनकी जो प्रोफेशनल इस्तेदाद उस पर हर्फ आए। तो मेरा ख्याल है वापसी का रास्ता जरूर दिया जाएगा, अगले आधे पौने घंटे में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या पुरमन तरीके से वापसी जो है वो हो जाती है या फिर ये कश्मकश जो है जारी रहती है। जी ठीक अफजल जावेद, अब से चंद लम्हे पहले आप रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर शेलिंग की गई है क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया है, उनको वापस रवाना होने की हिदायत दी गई थी, सड़कों पर इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आती है? हाँ जी देखें, जो मेन जीटी रोड है जो टुवर्ड्स रावलपिंडी से पिशावर के लिए जाते हैं वो 26 नंबर चुंगी पर मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस एसपी और दीगर कानून वापस करने वाले जवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जबकि दूसरी तरफ कारकुनान मौजूद है। एक दफा फिर दोबारा से शेलिंग शुरू कर दी गई है और बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो हैं कारकुनान की जानब जो शेलिंग फेंक रहे हैं, दोबारा इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी गई है। तो कारकुनान जो है वो भी वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट भी की जाती रही है कि कारकुनान यहाँ से मुंतशिर हो जाएं।